हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो लास्ट डेट थी 17 दिसंबर क्लोज हो चुके हैं दोस्तों फॉरम। अब बात करेंगे इस वीडियो में हम कितने टोटल फॉरम भरे गए और एक सीट पर कितने विद्यार्थी है। तो दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल कितने फॉर्म इसमें भरे गए अब तक। तो दोस्तों हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी इसमें टोटल फॉर्मों की बात करें 17 दिसंबर तक तो 13,34,600 प्लस। तो दोस्तों ये है आंकड़ा जो अभी तक हमें प्राप्त हुआ है, मतलब 13.5 लाख बोल सकते हो, लगभग 13.5 लाख फॉर्म इसमें जनरेट हुए हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए 3672 पदों के लिए 13.5 लाख फॉरम दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी में शामिल हो चुकी है। ये भी इतने फॉरम अभी तक शायद एलडीसी के बाद में इसी में फॉरम जनरेट हुए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं टोटल जो एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो दोस्तों एवरेज देखिए, आप एवरेज देखते हैं तो एक सीट पर लगभग 365 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीन मानिए जो इसमें 13.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं इसमें से कम देखिए 4 से 5 लाख फॉर्म तो ऐसे हैं जो बिना तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो एज थी वह 18 से 40 वर्ष तक रखी गई थी, तो सभी ने इसमें फॉर्म जनरेट किया है। लेकिन फिर भी कंपटीशन काफ़ी है, लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर हाईकोर्ट ग्रुप डी से संबंधित पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हर रोज़ मॉडल पेपर डाला जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो दोस्तों एग्जाम डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो आप यूट्यूब पर अभी तक सुन रहे हो एक दो महीने, दोस्तों वो टेंटेटिव डेट है, कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। यूट्यूबर अपने हिसाब से बोल रहे हैं, वो अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब भी कोई भी ऑफिशियल न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों लगभग 3 महीने तो मान सकते हो संभव डेट।